सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण धाम जालंधर कमेटी की तरफ से 2 दिवसीय दिव्य बीज मंत्र वार्षिकोत्सव एवं 691वां प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के दूसरे दिन महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को बताया कि माँ दुर्गा भवानी की स्तुति ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने ही की है। माँ दुर्गा ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपनी शक्तियां प्रदान की हैं, जिससे वे सृष्टि का सृजन पालन और संहार का कार्य करते हैं। पूज्य सदगुरु देव ने भक्तों पर भगवान श्री राम जी के अवधान की महाकृपा बरसाई। समागम में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, विधायक रमन अरोड़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन दिनेश ढल, श्री लक्ष्मी नारायण धाम के महासचिव सुशील वर्मा, गुरुदास सहित सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, धार्मिक संस्थाओं के विद्वानों, प्रशासनिक अधिकारियों व राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर प्रभु कृपा ग्रहण की। इसके साथ ही धारावाहिक महाभारत के युधिष्ठिर का रोल अदा करने वाले गजेंद्र चौहान, माता वैष्णो देवी के मुख्य पुजारी सुदर्शन पुजारी, थाना 8 के प्रभारी संजीव कुमार, श्री देवी तालाब मंदिर की संकीर्तन मंडली से सीमा गल्होत्रा, दीपाली बागड़िया, सेवादार भूषण कोहली, अर्जुन त्रेहन ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद लिया। समागम में भगवान श्री राम और मां दुर्गा के परम शक्तिशाली पाठ को ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी ने कहा कि साक्षात भगवान शिव ने अपने मुखारविंद से कहा है कि भगवान श्री राम के इस दुर्लभ मंत्र को जो करता है वह परिवार सहित धन धान्य व सुख शांति से परिपूर्ण होकर 100 वर्षों तक जीता है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। हमें रख लेना है प्रभु तेरी दरबारी में, हमें रख लेना है प्रभु तेरी दरबारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना मैया तेरी दरबारी में, हमें रख शाम दे अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचा शाम दे अज मैनू नच। स्वादेम गुरुवारा ध्यायामि ज्योतिर्माया, आवाहनम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, आसनम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, स्नानम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, वस्त्रम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अद्भुत लोकों की स्वामनी है, हमें जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, सुंदरता मिलती है, रूप मिलता है, वो चंद्रमा से मिलता है। सारे ग्रह सारा कुछ चंद्रमा के होने से है, चंद्रमा हट गया तो हम सब हट गए, समाप्त हो गए। ये चंद्रघंटा चंद्रमाओं को कलाओं को सबेल के रखती है, इसलिए भगवान किसी पे चंद्रमा होता है। सबसे ज़्यादा शक्ति चंद्रमा में होती है, चंद्रघंटा में होती है सबसे ज़्यादा। प्रेम, प्रेमिका, पति, माँ का प्रेम, बेटे का प्रेम, ये चंद्रघंटा से मिलता है। जो चंद्रघंटा पे स्त्री अपना सब छोड़ देती है, चंद्रघंटा पे उसे महाधन, माँ सुंदरता, माँ रूप, माँ प्रेम मिलता है। मांगा हुआ भिखारी का प्रेम नहीं, पैसे मांगे हुए भीख के नहीं, दुर्गा माँ को जो समर्पण कर दिया तो महाप्रेम देती है, माँ धन देती है, माँ यश देती है, माँ रूप देती है और अमरता देती है, कभी जाता नहीं। मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे पूरे पेट में अजीब सा महसूस होता था, एसिडिटी रहता था, अब बहुत आराम मिला है। कान के पर्दे फट गए थे, सुनाई नहीं देता था, पेट खराब था, वर्षों से डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, 5 मिनट में दुर्गा माँ ने ठीक कर दिया। इतना आनंद है, मेरे घुटने में इतनी पेन थी, मैं गिर गई थी पिछले साल। लाइन में खड़े हो ना, आगे पीछे नहीं हो ना। गुरु जी मेरे को इतना आराम मिला, इसमें बहुत दर्द थी, मेरे इतनी ज्यादा दर्द, अर्थराइटिस था जो ठीक नहीं होता ऑपरेशन से भी, कितने 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 समय से है,
शिजाइन खा के थक गए, दवाइयां खा के थक गए, अब ठीक होगी। पांच मिनट मुझे बहुत आराम मिला, मुझे बहुत कोटि कोटि नमन कोटि। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, साध संगत के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि अभी अभी जो गुरु जी ने करवाया है उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोगों ने बताया। गुरु जी आज का दिन जो है मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे पहुँचूँगा। सुबह चंडीगढ़ था, उसके बाद दिल्ली गया, एक कार्यक्रम किया, उसके बाद फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, अमृतसर आया, अमृतसर से चल के जलंधर आया और आपके चरणों में स्थान मिला। मैं बहुत थका हुआ था, मुझे नींद भी आ रही थी। मैं दो तीन दिन से लगातार कार्यक्रम कर रहा हूँ। मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मेरी नींद उड़ गई है, नींद की जो दिन उड़ी, थकावट उड़ गई, मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे यहाँ बैठे बैठे वो जो आपने करवाया है उसके कारण हुआ। रोग अटके बड़े, प्रधानमंत्री ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य दिए इनको, बहुत बड़े बड़े। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। नौ दीप सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। पिछले करीब 16 वर्षों से मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी गुरु के चरणों में समर्पित है और जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल गुरु जी के कारण हो रहा है। कई बार तो ऐसी अद्भुत घटनाएं हो जाती हैं जिस पे विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं ना कि क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है। निराश ना हो, भरोसा रख, सर पे गुरु का हाथ हो तो तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। आज दो विषय पे बात करने का मन कर रहा है। गुरु जी ने बहुत खूबसूरत जो है पहला चित क्या था, एकाग्र चित। आपने देखा गुरुजी ने कैसे समझाया आप लोगों को, बहुत देर से बात कर रहे थे एकाग्र चित, बीच बीच में माइक खराब हुआ लेकिन गुरुजी का एकाग्र चित नहीं टूटा। ये गुरु का समझाने का तरीका होता है। गुरुजी की जो फोकस था वो काम में था। आपने कभी किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते देखा है? वो कौन सी पिक्चर थी उसमें दिखाया था कि वो नमाज पढ़ रहा, कोई उसके आगे से गुजर जाता है और उससे बाद में पूछा जाता है कि तुम नमाज कैसी पढ़ते, तुम्हारे आगे से गुजर गया, कहता मैं खुदा में इतना लीन था कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे सामने से कोई गुजर गया। एकाग्र चित्त जो है बेसुध हो जाता है इंसान जब किसी से प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम करता है, गुरु से प्रेम करता है। और गुरु वो माध्यम है जो परमात्मा का दिया हुआ हमारे तक डायरेक्ट नहीं आ सकता लेकिन गुरु के माध्यम से हम तक पहुंचता है। लेकिन सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखने का, ये मेरी निजी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूं, गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करना और गुरु के शब्द कभी काटना नहीं। अगर आप ये दो चीजों में खरे उतरे तो मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने गुरुजी के चरणों में रह के इतना कुछ देखा है कि लगता है कि एक अलग अद्भुत दुनिया है जिसमें हर व्यक्ति जो है वो उम्मीद लगा के आता है और उसकी उम्मीद पूरी होती है अगर ये दो बातों का ध्यान आप रखेंगे। और दूसरा जो विषय है वो है माता वैष्णो देवी का। गुरु जी कह रहे थे कि परमात्मा किसी किसी को काम देता है, उनको ये काम दे दिया, मुझे ये काम दे दिया। मुझे लगता है कि मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और मेरी तकदीर मुझे मुंबई ले गई और मुंबई में बीआर चोपड़ा साहब के यहाँ जब काम किया तो उसके बाद तकदीर ने ऐसा किया कि जितने धार्मिक सीरियल थे, धार्मिक फिल्में थी, वो मेरे हिस्से में आई
शायद धर्म का प्रचार परमात्मा मेरे माध्यम से करवाना चाहता था। परम आदरणीय परम श्रद्धेय और हमारे सभी के ऊपर प्यार बरसाने वाले आशीर्वाद देने वाले ऐसे महान हमारे कुमार स्वामी जी, जिनका हमें मुझे मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे विशेष रूप से हमेशा इनका आशीर्वाद रहता है। वैसे तो इनका आशीर्वाद सभी के ऊपर है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे विशेष मिल रहा है। वैसे तो क्योंकि सभी से, क्योंकि इनके मन में तो सभी के लिए स्नेह प्यार है, मगर हर एक को लगता है कि शायद मुझे ज़्यादा मिला है, इसलिए मैं कम से कम मैं संतुष्ट हूँ। और इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, क्योंकि आज ही जब शीतल जी ने मुझे बताया था कि महाराज जी आ रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई हमने जाना तो, क्योंकि मैंने शाम को ट्रेन से जाना था, मगर वो सारा कैंसिल करके अभी हम थोड़ी देर में रात को 1 बजे वाली ट्रेन हमने इसीलिए करवाई कि मैं आके दर्शन करके फिर जा भी सकूं। सो क्योंकि मैं पहले भी जब महाराज जी आए थे तब भी उनका आशीर्वाद मुझे मिला, होशियारपुर में भी आए, जहाँ जहाँ इवन दें जब मेरी बेटी की शादी थी तो विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली भी आए। तो ये इनका आशीर्वाद है। और एक जब यहाँ पे आते हैं एक सुकून भी मिलता है, और ये सुकून का दृश्य मैं आप सबके बीच में देख रहा हूँ कि अभी लगभग 12 बजने के ऊपर हो गया, आप जिस शिद्दत से, जिस लगन से, जिस तरह से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि महाराज जी की उस वाणी का, उसका आशीर्वाद कि आपको सबको भी उतनी इच्छा शक्ति है जितनी मुझे थी, और आप इसको इनके अमृतवाणी को, उस अमृत वर्षा को आशीर्वाद के रूप में आप सभी बड़े स्नेह प्यार से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको भी संतुष्ट, जैसे मैं संतुष्ट हूँ, आपको भी कर रहा है। तो बस यही मेरी तो दुआ है कि महाराज जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना, सदैव बना रहे, और किसी तरह की जब इनकी शरण में आते तो कमी तो कोई रहती नहीं है, और आप सबके भी जीवन में कोई कमी ना रहे, ऐसी मेरी दुआएं शुभकामनाएं। पूजने गुरुदेव, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपकी जितनी कृपाएं हैं जंदरवासियों के ऊपर और हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, सांपला साहब उनके परिवार के ऊपर, इनका कोई वर्णन, कोई इनका कोई हिसाब नहीं है। और आप बहुत ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं, जब भी आप हमारी विनती को कबूल करते हैं कि जलंधरवासियों के बिहाब पे मैं जाके आपके चरणों में विनती लगाता हूँ, और आप इतने कृपालु होते हैं कि आप हमें समय देते हैं, और इस विशेष आयोजन के लिए आप कल कितनी कैसे कैसे आप पहुँचे रात को, हम लोग सारे यही जंदरवासियों की तरफ से मैं आपको एक विनती करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें, और शक्तिपीठ देवी दला मंदिर में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और प्रबंधक कमेटी भी आपकी आपके चरणों में प्रणाम करती है, और ये जो सब लोग आज बैठे हैं, गुरुदेव आपकी
कृपा से ही, जैसे आपका आशीर्वाद, जैसे आपकी कृपा हमारे सिर पे है, ये सब लोगों के ऊपर भी ऐसी कृपा ही आप बरसाएं, और ये आगे ही बहुत कष्टों से आपने सबको ठीक किया गुरुदेव, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इस साल भी, इस आयोजन पर भी, इस समागम में भी आप इसी तरह की कृपा करें जैसे लाखों लोग, हजारों लोग हर बार देवी तलाब मंदिर में जब भी होता है आयोजन तो आप कृपा करते हो। ये मेरी आपके चरणों में विनती है और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और गुरुदेव आप अगले साल का फिर एक प्रोग्राम इन मंदिर के लिए ज़रूर दें, क्योंकि इस पवित्र जगह पे जब आप अपने चरण डालते हैं तो यहाँ पर लाखों लोगों के ऊपर कृपा होती है, और इसीलिए दुर्गा माँ का आपके ऊपर जो कृपा है वो आप हम लोगों में सबको बांटते हो। मैं आपके चरणों में एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, एक बार फिर आप अगले साल का वायदा करिए कि एक बार फिर यहाँ आप चरण डालेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे। इसी तरह सारी संगत तो देवी तला मंदिर से जुड़ी हुई है, वो उनकी कल से मैं देख रहा था कि सबकी आंखें आपके इंतज़ार में, आपका आशीर्वाद लेने के लिए व्याकुल थी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, ओम नमो, जय गुरुदेव। के लिए आश्चर्य की बात है, जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करेंगे, जोरदार तालियां। हम आपको वंदन करते हैं, आपने सुंदर आयोजन किया इतना, और किसने लाखों जो लोग हैं जिनका इलाज नहीं वो ठीक हो गया 5 मिनट में, ये माँ की शक्ति साक्षात बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक देखे राड है। तो हम शीतल विज का धन्यवाद करेंगे कि कैसे उन्होंने व्यवस्था दी हमें, हर बार प्रेम देते हैं, और वैष्णो देवी दरबार से आए माँ दुर्गा के प्रतिरूप, वो भी कितने प्रसन्न होके गए। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय हो, आपके अंदर जो धर्म अर्थ का मोक्ष का प्रारूप है उसका लाभ सारी दुनिया को मिली। जय मां भी, जय जगदम्बे।